नमस्कार दोस्तों मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड नाइन यूनिट नंबर सेवन एडोलिसंस स्पीक किशोर बोलते हैं पार्ट टू लेकिन दोस्तों इससे पहले एक जरूरी सूचना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दर्शाए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे और इसी प्रकार नियमित रूप से आप पढ़ाई कर पाओ ओके और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इस प्रकार से वीडियो का अभ्यास कर पाए ओके तो शुरू करते हैं एडोलेसेंट्स स्पीक किशोर बोलते हैं पार्ट टू एंकर से डॉक्टर शाह हियर इज अंतिम विद अ क्वेश्चन प्रवक्ता कहते हैं डॉक्टर साह यहां पर अंतिम अपने प्रश्न के साथ है यानी अंतिम कुछ प्रश्न पूछना चाहता है अंतिम से गुड इवनिंग सर आई एम अंतिम फ्रॉम कविता गुड इवनिंग सर नमस्कार सर मैं कविता से अंतिम मिस्टर बक्सी एंड डॉक्टर Sa से गुड इवनिंग व्हाट्स योर क्वेश्चन मिस्टर बक्सी और डॉक्टर साह दोनों साथ में कहते हैं नमस्कार गुड इवनिंग व्हाट्स योर क्वेश्चन तुम्हारा प्रश्न क्या है अंतिम से कैन अ ब्लड डोनर एक्वायर एच आई वी सर क्या रक्तदान करने वाले को एच आई वी हो सकता है मिस्टर बक्सी सेज दैट्स अ गुड क्वेश्चन ये सवाल बहुत ही अच्छा है बाय द वे अ स्टूडेंट लाइक यू कैनॉट डोनेट ब्लड तुम्हारा सवाल तो अच्छा है लेकिन आप जैसे विद्यार्थी रक्तदान नहीं कर सकते हो अंतिम सेज आई नो दैट सर सर ये तो मैं जानता हूं आई जस्ट वॉन्ट टू नो मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ मिस्टर सेज इट इज क्वाइट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन एच आई वी पेशेंट एच के मरीज को रक्तदान करना एकदम सुरक्षित है द ब्लड डोनर नॉट गेट इन्फेक्टेड बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज रक्तदान करने वाले को इन्फेक्शन चेप नहीं लग सकता है क्योंकि साधनों को जंतुमुक्त किया गया होता है अंतिम से थैंक यू सर धन्यवाद सर एंकर से प्रवक्ता कहते हैं यू शुड नो एड्स फॉर नो एड्स नो और नो एड्स न हो इसलिए तुम्हें एड्स के बारे में जानना चाहिए बिफोर वी कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस लेट्स लिसन टू हरीज प्रॉब्लम चलिए हम कॉन्फ्रेंस पूर्ण करते हैं इससे पहले हरीश की समस्या को सुनते हैं हरीश से गुड इवनिंग सर आई एम हरीश फ्रॉम देवगढ़ बारिया गुड इवनिंग सर मैं देवगढ़ बारिया से हरीश आई हैव अ हैबिट ऑफ चुइंग गुटखा मुझे गुटखा चबाने की आदत है बिकॉज ऑफ दिस हैबिट माई तीथ स्पॉल्ड इस आदत की वजह से मेरे दांत बिगड़ गए हैं आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस है मैं इस आदत से छुटकारा चाहता हूं प्लीज हेल्प मी कृपा करके मुझे मदद करे डॉक्टर साइस इन विच क्लास डू यू स्टडी हरी हरीश तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो हरी सेस सर आई एम अ क्लास नाइन स्टूडेंट सर मैं नवी कक्षा का विद्यार्थी हूं डॉक्टर सासेस हाउ ओल्ड इज योर हैबिट यह आदत कितनी पुरानी है यानी यह या आदत कब से है हरी सेस अबाउट टू ईयर्स करीब दो साल से डॉक्टर सासीस हाउ ऑफन डो यू चीव अ गुटखा तुम कितनी बार गुटखा चबाते हो हरी सेस फाइव टू सिक्स टाइम्स अ डे दिन में पाँच छः बार मिस्टर बक्सेस इज दैट्स टेरिबल यह तो बहुत बुरी बात है नाउ टेल मी व्हाट आर योर हॉबीज अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शौक क्या क्या है रीडिंग न्यूज पेपर मैगजींस एंड प्लेइंग ऑन द तबला अखबार या मैगेजीन पढ़ना और तबला बजाना मिस्टर बक्सिस इज दैट्स गुड यह तो अच्छी बात है नाउ वेन एवर यू फील लाइक चुन गुटखा रीड एन इंटरेस्टिंग न्यूज आइटम और आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज पेपर और प्ले ऑन द तबला अब जब जब तुम्हें गुटखा चबाने का मन करे तुम अखबार में से एक दिलचस्प न्यूज आइटम या आर्टिकल पढ़ो या तो तबला बजाओ बी विथ योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ रहो टॉक टू देम उनके साथ बातें करो प्ले सम गेम्स ऑफ योर चॉइस तुम्हारी पसंदगी की कुछ गेम्स कुछ खेल उनके साथ खेलो कीप योर माइंड एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ अलग अलग प्रवृत्तियों में अपने मन को व्यस्त रखो आई एम श्योर मुझे विश्वास है कि यू विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट तुम्हें इस आदत से छुटकारा मिल जाएगा हरी सहीस थैंक यू धन्यवाद एंकर सहीस सो फ्रेंड्स नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय प्रवक्ता कहते हैं सो फ्रेंड्स तो दोस्तों नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय अब अलविदा कहने का समय आ गया है ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ यानी के बदले ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ क्लब यूथ क्लब के बदले आई थैंक मिस्टर बक्सी एंड डॉक्टर शाह फॉर गाइडिंग द टीजर्स यूथ क्लब के बदले मैं मिस्टर बक्सी और डॉक्टर शाह को किशोरों को मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद कहूंगा आई एम ऑल्सो ऑब्लिज टू द बॉयज एंड गर्ल्स हु ट्रस्टेड एंड शेयर देयर प्रॉब्लम्स मैं उन लड़के और लड़कियों का भी आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास किया एंड शेयर देयर प्रॉब्लम्स और अपनी समस्या हमारे साथ बाटी अगेन गुड बाय एंड गुड नाइट फिर से अलविदा और शुभ रात्रि टेक केयर अपना ख्याल रखें दोस्तों यहां पर यह यूनिट समाप्त होता है मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का मज़ा ले सकें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहो ओके तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे बाय